नमस्कार, आप देख रहे हैं जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। आपके साथ मैं हूं निदा अहमद। स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास पेशकश जनमन में। सबसे पहले हम बात करेंगे आगरा की। आगरा के पौश इलाके कमला नगर में एक महिला डॉक्टर निशा सिंघल की गला देकर हत्या कर दी गई। श्री कुंज एक्सटेंशन की रहने वाली डॉक्टर निशा सिंघल ने अपना टीवी ठीक कराने के लिए स्थानीय केबल ऑपरेटर को फोन किया था और केबल ठीक करने के लिए शिवम नाम का युवक उनके घर आया था। आरोप है कि शिवम ने ही डॉक्टर निशा के गले को चाकू से रेत दिया। बच्चों ने इस घटना की जानकारी पड़ोसियों को दी। पड़ोसियों ने फौरन ही घटना की सूचना पुलिस को दी। घायल अवस्था में डॉक्टर निशा को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। आरोप है कि शिवम भागते समय सीसीटीवी का डीवीआर भी अपने साथ ले गया। घटना की गंभीरता को देखते हुए एडीजी अजय आनंद और आईजी ए सतीश गणेश घटना स्थल पर पहुंचे। इस बीच पुलिस ने घटना के खुलासे के लिए 3 टीमों का गठन कर दिया है। पुलिस का दावा है कि वो जल्द ही इस मामले का खुलासा कर देगी। तो केबल ठीक करने वाले युवक शिवम पर हत्या का आरोप लग रहा है। मौके का मुआयना यहाँ पे किया गया है और बॉडी को पंचनामा करके पोस्टमार्टम के लिए भी भेजा जा रहा है, और इसमें जो भी तहरीर प्राप्त होगी वो लिखी नगर जाएगी, उसकी मुकदमा लिखा जाएगा। और साथ ही में हम लोगों ने 3 टीमें अभी बनाई हैं, सीसीटीवी फुटेज और अन्य चीज़ों की मदद से, सर्विलांस की मदद से हम लोग जल्द ही इस पूरे घटना का खुलासा भी करें। इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए आइए रुक करेंगे हमारे संवाददाता शोभित चक्रवर्ती का। शोभित, जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया है, लेकिन सवाल यह है कि क्या बच्चों की बात यहाँ पर इस मामले में निकल कर आ रही कि बच्चों ने पड़ोसी को बताया, तो क्या बच्चों ने उस वक्त उस केबल ऑपरेटर को नहीं देखा जो केबल सही करने आया था, कि किसने की है, बच्चों का क्या रोल है इसमें, बच्चे कहाँ थे उस वक्त? देखिए, डॉक्टर ये निशा सिंघल हैं। जब ये आया केबल वाला घर में, जब इसको बुलाया गया टीवी ठीक करने के लिए, उस समय इनकी 2 बेटियां जो कि घर पे मौजूद थी, इनके जो डॉक्टर पति हैं वो घर पर नहीं थे। इन बच्चियों का ये कहना है कि इनके सामने ही उसने चाकू से वार किया इनकी माँ के ऊपर, और उसके बाद जब वो गंभीर घायल हो गई उसके बाद ये वहां से भाग गया। भागते समय ये टीवी जो सीसीटीवी कैमरे की थी वो भी साथ में ले गया, और बकायदा उन बच्चियों ने नाम बताया है इस युवक का कि इसने ही हमारी माँ की हत्या की है। तो पुलिस उसी ओर देख रही है, मामला गंभीर है, डॉक्टरों का मसला है, इसलिए एडीसी आईजी सब मौके पर पहुंच गए हैं, लेकिन फिलहाल आरोपी फरार है। जी चलिए शुभिदा, आप नजर बना रखिए इस खबर पर। फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। विटनेस है, उन्होंने बताया कि रिचार्ज करने के लिए टीवी के कोई ओटीटी प्लेटफॉर्म होता है उसको रिचार्ज करने के लिए आया हुआ था, उसी ने घटना का अंजाम दिया है। और उनके हस्बैंड जब आए तो अपने पत्नी को लेकर हॉस्पिटल लेकर, जहाँ बता रहे कि वो उपचार के दौरान उनकी डेथ हो गई। दोनों बच्चे सकुशल हैं और हमें ये तो पता ही चल गया कि किसने किया, तो हम लोग अपने कोई ताकत से आरोपी को पकड़ने में लगे।